पानी थाए थाए पानी नहीं बढ़ गया पर रेस ले निकल रहा थी पानी वो स्टार्ट तो थी किस रेस बिल्कुल टाइट करके रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं सब। अल्लाह के फजल व करम और शुक्र के साथ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज हम इधर दरिया सिंध की तरफ आए थे और काफ़ी अरसे बाद मैंने सोचा चलो ये एक्सपीरियंस आपके साथ भी शेयर किया जाए। और आते ही जहाँ पर जब हम पानी क्रॉस करने लगे हैं तो हमारी बाइक बंद हो गई थी पानी के अंदर ही। बड़ी मुश्किल से दोबारा स्टार्ट किया जैसा कि आपने देखा भी है पहले, और अभी आपको एक एक्सपीरियंस दिखाने लगे हैं। ये अभी हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं कि किस तरह ये वाइब्रेशन से ये इसका जो है ना नीचे ज़मीन में धंसता जाएगा। तब बंद किया क्यों अभी पहले ही नहीं बर है तो की नहीं गिनता। चल चल चल, हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, हाँ तो देखा आपने कैसा एक्सपीरियंस हमने आपके साथ शेयर किया है दोस्तों। क्योंकि हमने भी आज ही नोट किया है, अभी नोट किया है कि यहाँ पर दरिया के किनारे पर जो रेत है इसके नीचे भी मतलब कोई ऐसी नमी होती है कि थोड़ी सी वाइब्रेशन से भी वो रेत जो है ये जगह दे देती है चीज़ को नीचे धंसने के लिए। तो आप भी कभी आइएगा तो ये तजर्बा भी ज़रूर कीजिएगा और इसे एहतियात भी कीजिएगा कि कभी ये ना हो कि ये तो अभी इसमें नमी थोड़ी कम है कि हम इसके ऊपर खड़े हुए हैं वाइब्रेशन से नीचे चीज़ धंस रही है, कभी ऐसा ना हो कि नमी कुछ ज़्यादा और आप पाँव रखें और उसमें धंस। बंदे की वाइब्रेशन ये तो नहीं है, अभी आप अपनी वाइब्रेशन से नीचे जाएंगे। ये बाइक की वाइब्रेशन की वजह से नीचे, बाइक की वाइब्रेशन, यहाँ पर नमी बहुत कम है, बहुत कम है। तो दोस्तों अभी चलते हैं आगे और देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें कुछ स्पेशल देखने को मिलती है तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। और चल भाई चलो चलो, हम ही वक्त दशा तेरी संगत तू पहले हर संगत गुहा भी खत नहीं निकलता मुझे। हाँ दौर लवा हाजी आ सामना नहीं कटनी है कल आना यार। हाँ 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 एकदम सबर कर, सबर कर, सबर कर। हाँ यार है बर्बाद काट जुल। दोस्तों आपने देखा यहाँ पर दरिया के पेंदे में जो है ना बिल्कुल प्योर रेत है, प्योर वाइट रेत है, और उसमें से बाइक को निकालना ज़रा मुश्किल हो रहा था तो मैंने साथ में धक्का लगाया है तो बाइक निकली है। बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। हालांकि मौसम इतनी गर्मियों का नहीं है लेकिन अभी हमें थोड़ी थोड़ी गर्मी भी महसूस हो रही है। क्या बना क्यों लाई यार कपड़े भर गए टीमें क्या करने गया बूटे क्या करने गया हमें अच्छा जूते भर गए सारे कपड़े ए हुन आप चला मैं मारा पुत्र अगा का प्रोग्राम क्या है तू केड़े टीबे सब बंद कर पेट्रोल मुक दे हां हाय ना वे आवन दा पेट्रोल हेपे वाला मिलने वास्ते उनु इन टीबे गिरीजने को नहीं साडू ता उतारे चलो ਕਿਹੜਾ ਟਿੱਬਾ ਆਖੀ ਦੇਖਣ ਜੋ ਤੂੰ ਇਹ ਟਿੱਬਾ ਹੈ
मर ना पानी लाने वास्ते बनी दे रखी आखिर टिब्बा दिखावा तो आपको जुल जुल कर तजर्बे आज मेरे उते ते मेरे मोटरसाइकिल ते बंदा ही कोई कोनी नजर आंदा पिया सूची लगा खड़े ते मोटरसाइकिल ही खड़े ते बंदा ही कोई नहीं नजर आंदा पिया दूर दूर तक। यहाँ के लोगों की सादगी देखें कि यहाँ पर उन्होंने ना इस वीराने में बाइक खड़ी की है और वो बंदा चला गया पता नहीं कहाँ अपना काम करने। स्विच भी ऑन है और मोटरसाइकिल भी सीडी है, मोटरसाइकिल सीडी ओरिजिनल जापानी वो खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है कि कोई उठा ले जाएगा। एक तो बात यह है कि यहाँ के लोग बड़े सेंसिटिव और सादे सुधे हैं, बाकी दूसरी बात यह है कि यहाँ से उठा के लेके जाना भी कोई मुश्किल बात नहीं है और आसान नहीं है। लोग भी मतलब ऐसे हैं कि वो नहीं किसी की चीज़ को हाथ लगाते बड़े सेंसिटिव, एक दूसरे को जानने पहचानने वाले लोग हैं, बड़े सीधे साधे लोग हैं। बड़ा प्यारा इलाका है लिया, जनूबी पंजाब लिया और मौजा थिंदकला नशेब, मौजा सुमरा नशेब, ये बेल्ट है सारा जो है ना। मौजा इलियानी भी साथ है इसके, इलियानी मौजा इलियानी। तो ये जो बेल्ट है बड़ा मीठा सराइकी और पानी भी बिल्कुल ना बेसिक जो नेचुरल है, मीठा पानी है बड़ा बेहतरीन जायका माशाल्लाह। तो नेचुरल दिखाते हैं इनको, तो नेचर के हर रंग आपको देखने के मिलेंगे यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं हमारे थोड़ा सा आगे जो है ना गंदम बिल्कुल तैयार है, पक मतलब पकने वाली है, उसका फल बिल्कुल तैयार है। आज क्या डेट है, 19 मार्च है और 13 अप्रैल तक जो है ना गंदम बिल्कुल पक जाएगी, जिसको मतलब कटाई शुरू हो जाएगी और थ्रेशरें लग जाएंगी। ये क्या है, ये देखना, इसको बोलते हैं हमारे सराइकी में अक 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 का पौधा। अच्छा। ये बड़े काम आता है, बड़े बेहतरीन चीज़ है, मतलब कि इतना अक, इसको अक जो है ना वो सराइकी चीज़ में बोलते हैं कड़वी चीज़ को, कड़वी। अच्छा, नहायत ही कड़वा पौधा है ये। अगर किसी को पाँव में कोई कट लग जाता है, कोई कांटा चुभ जाता है जो निकलने का नाम नहीं ले रहा, तो ये देखे ना इधर इधर लाए ना, ये इसके